हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रेट जीरो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वोकैबुलरी सेक्शन। जैसा कि हमें पता है, सीजीएल टायर वन में एक से दो क्वेश्चंस जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आते हैं, तो आज हम पिक्चर्स की हेल्प से एकदम ही इजी फॉर्मेट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। देन कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अ फिक्सीशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। ऑथर के द्वारा एक फिक्सीशियस नेम जो कि यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? होमोनिम, एलिबी, सुडोनिम और एनोनिमस। द आंसर विल बी सुडोनिम। इसको याद रखने का एक टेक्निक ये हो सकता है, फिक्सीशियस नेम को हम लोग पेन नेम भी बोलते हैं। पी फॉर पेन एंड पी फॉर सुडोनिम। तो बात करें सुडोनिम की, तो फिक्सीशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर दैट इज पेन नेम। लाइक यहाँ पे ये है कियारा आडवाणी, बट इनका ओरिजिनल नेम क्या है? आलिया आडवाणी। सो आलिया जो है वो इनका ओरिजिनल नेम है और कियारा इन्होंने पेन नेम यूज किया है प्रोफेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन अब बात करते हैं होमोनिम की। होमोनिम क्या होता है? ए वर्ड दैट साउंड्स द सेम और इज स्पेल्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। जो कि स्पेलिंग और साउंड दोनों में सेम होता है बट उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। लाइक चमगादड़ जिसको हम बोलते हैं उसको भी बैट बोलते हैं, और बेसबॉल का जो बैट यूज होता है उसे भी बैट बोलते हैं, और क्रिकेट में भी बैट होता है, लेकिन मीनिंग हर जगह अलग अलग होते हैं। सेम एलिबी पे आते हैं, तो एलिबी क्या है? एन एक्सक्यूज फॉर समथिंग बैड और फॉर ए फेलियर। कोई भी जब हम फेल होते हैं तो उसमें हम एक्सक्यूज जो भी देते हैं वो हमारा एलिबी होता है। लाइक मैं सो रही थी, मैं पार्टी में गई थी, मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। दीज ऑल द एक्सक्यूज आर टर्म्ड एज एलिबी। अब बात करें एनोनिमस की। एनोनिमस होता है ऑफ अननोन ऑथरशिप और ओरिजिन। कोई पोएट्री अगर हम पढ़ें कहीं पे और उसका हमें पोएट नहीं पता, देन वहां पे नीचे लिख के आता है एनोनिमस, दैट इज द राइटर हु रोट द पोएम इज नॉट नोन। तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कौन है ये मेरे को नहीं पता, तो एनोनिमस हो गया। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। तो उसका क्या होगा? गन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को कहाँ स्टोर करते हैं? एपियरी, आर्सेनल, आर्काई और एवियरी। द आंसर विल बी आर्सेनल। जहां पे हम मिलिट्री के वेपन्स को रखते हैं वो हमारा आर्सेनल हो गया, एक ऐसा म्यूजियम जैसा प्लेस जहां पे हम गन्स मिलिट्री इक्विपमेंट्स रखते हैं, दैट इज आर्सेनल। एपियरी क्या होता है? एपियरी इज अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट like this. This is the container in which bees are kept. Then उसके बाद archive. Archive किसको बोलते हैं? तो historical documents जहाँ रखते हैं, historical documents और records जहाँ पे रहते हैं वो हमारा archive हो गया। Then aviary पे आते हैं, तो aviary होता है जहाँ पे birds रहते हैं, like this. This one is aviary. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। गार्डन, प्लांटेशन, ऑर्चर्ड और फार्म। देन आंसर विल बी ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड हो गया जहां पे सिर्फ फ्रूट ट्रीज ग्रोन होते हैं। गार्डन की बात करें तो गार्डन में हम ग्रास, फ्लावर्स, श्रब्स कुछ भी मतलब ग्रो कर सकते हैं। प्लांटेशन बेसिकली यूज होता है कॉफी, शुगर, टोबैको जैसे चीजों को यूज करने में। दिस वन इज प्लांटेशन, पौधे लगाना। अब आते हैं फार्म की। तो फार्म में क्या होता है? यहाँ पे एनिमल रियरिंग भी होती है और हम क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे खेती भी हो रही है और यहाँ पे एनिमल रियरिंग भी हो रही है, और ये हमारा एग्जाम्पल ऑर्चर्ड का है। Come to the next question, the act of looking back on past time. तो क्या होगा? Retrospection,
इंस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन और सर्कमस्पेक्शन, हम जो पिछली बातों को देखते हैं, पिछले इवेंट्स को याद करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन, आई मीन रिकॉल करना। इसे हम रेट्रो को रिकॉल से याद रख सकते हैं, रिकॉल करना पिछली बातों को, दैट इज रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन को हम एक इस इमेज से याद रख सकते हैं, लाइक स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन ये पीछे की तरफ मुड़ के देख रही है कि इसने कितनी सीढ़ियां चढ़ी हैं, दैट इज इसका ये क्या हो गया, रेट्रोस्पेक्शन हो गया। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन इज केयरफुल एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी। जैसा कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास से ये क्या देख रहा है, बहुत ही केयरफुली जज कर रहा है कि ये आखिर है क्या। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन इज द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वन ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस, दैट इज कि हमारे दिमाग में खुद क्या चल रहा है, आइदर वी आर सैड और हैप्पी और वी आर कंफ्यूज। जब हम खुद को चेक करते हैं कि हमारा मेंटल स्टेटस क्या है, दैट इज दिस केस इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रो मतलब अपने अंदर देखना। देन सर्कमस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन क्या है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क। जब अब जैसा कि ये इसको समझा रहा है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, बट ये रिस्क लेने को रेडी नहीं है, ये मना कर रहा है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, दैट इज दिस केस इज कॉल्ड सर्कमस्पेक्शन, कि वो अपने ही लूप में घूम रहा है और नया कुछ भी काम करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो कि कभी सेटिस्फाई नहीं होता, इनक्रेडिबल, इनसेटिएबल, इम्प्रोबेबल या इम्पॉसिबल। तो आंसर विल बी इनसेटिएबल। सेटिस्फाई से हम इसको रिलेट कर सकते हैं सेटिएबल, इनसेटिएबल मतलब जो कि कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। इनसेटिएबल की बात करें तो जो कि कभी भी एपेटाइट और डिजायर से सेटिस्फाई नहीं हो, जैसा कि ये सैंडविच में एक्सेस इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रखा फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं है। नेक्स्ट वन इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब जो बिलीव नहीं किया जा सकता है, लाइक दिस वन, डॉल्फिन इज फ्लाइंग हियर, इट कांट बी बिलीव। नेक्स्ट वन इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल मतलब नॉट लाइकली टू बी ट्रू और टू हैपन, जो कि कभी सच नहीं हो सकता और जो कभी हो भी नहीं सकता, लाइक दिस वन, चेयर टेढ़ी है और इसके पॉइंट पे लड़की खड़ी है, ये बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, सो इट दिस केस इज इम्प्रोबेबल। इम्पॉसिबल नॉट एबल टू ऑकर, एग्जिस्ट और बी डन, जो कि हो ही नहीं सकता, जैसे कि ये माउंटेन के एक पार्ट को मूव कराने का सोच रहा है, इट कांट बी पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, एक ऐसा स्टेट जहां पे परफेक्ट बैलेंस हो, क्या होगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलैटरल, इक्विवेलेंट एंड इक्विनॉक्स। द आंसर विल बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, दैट इज कोई भी चीज को कंपेयर किया जाए तो वो सभी सेम स्टेट में हो, दैट इज इक्विलिब्रियम। जैसा कि यहाँ पे ये दोनों बॉल्स का वेट सेम है, सो सेम स्टेट पे है, ना कोई ज्यादा हेवी है और ना कोई ज्यादा लो है। सो इक्विलैटरल पे आते हैं, तो इक्विलैटरल मतलब होता है हैविंग ऑल इट्स साइड्स एंड ऑफ द सेम लेंथ, जैसा कि ये और ये सेम लेंथ का है। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, इक्वल इन वैल्यू, अमाउंट, फंक्शन, मीनिंग एक्सेट्रा, जो कि वैल्यू और मीनिंग के अकॉर्डिंग सेम हो। जैसा कि इसे हम पढ़े तो हम इसको भी ए और ई ही पढ़ेंगे और इसको भी ए और ई पढ़ेंगे, सो दिस आर द इक्विवेलेंट, बट दिस आर नॉट द टोटली द सेम, सो ये इक्वल्स टू नहीं हो सकता है, दिस कैन बी इक्विवेलेंट। इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स वो होता है जहां पे दिन और रात इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लाइक आइदर ऑफ द टू टाइम्स ईच ईयर, ये सिर्फ दो बार होता है, एक तो मार्च
21 को और दूसरा सितंबर 23 को। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो कि नींद में चलता हो, उसको क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ओमनीपोटेंट या पेडेस्ट्रियन। तो आंसर विल बी सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक पिक्चर माइंड में रख सकते हैं, लाइक नींद में ये चल रहा है। नेक्स्ट वन फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? वन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जैसा कि लोग चैरिटी करते हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट से हम एक कीवर्ड चैरिटी को यूज मतलब सोच सकते हैं कि वन हु डज चैरिटी, हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स इज नोन एज फिलैंथ्रोपिस्ट। ओमनीपोटेंट, हैविंग ग्रेट पावर एंड इन्फ्लुएंस, जैसा कि लॉर्ड हनुमान को हम लोग ओमनीपोटेंट के नाम से, कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। सो उनका एक इमेज ध्यान में रख सकते हैं। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है जो कि अपने, ए पर्सन वॉकिंग रादर देन ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, जो कि बाय फुट चल रहा हो। That which cannot be heard, जो कि सुना नहीं जा सकता है, then क्या होगा? Invisible, inaudible, hidden या slight, that is inaudible, जो कि सुना नहीं जा सकता है। Invisible का मतलब होता है unable to be seen, जो कि देखा नहीं जा सकता, like इसका face, ये देखा नहीं जा रहा है। Inaudible मतलब कि अब ये जितना कुछ भी बोल रही है इसको सुनाई नहीं दे रहा है, inaudible है इसके लिए। Hidden, kept out of sight, यहाँ पे इस लड़की की फेस जो है वो हिडन है by the help of camera, जो कि देखा नहीं जा सके। उसके बाद slight मतलब होता है small in degree, थोड़ा सा, यहाँ पे जैसे कि slight rain, थोड़ी बारिश हो रही है। Then question number 9, to give up the throne, अपना मुकुट वापस कर देना या अपना सिंहासन छोड़ देना, ये क्या होगा? असर, एब्डिकेट, कॉन्साइन या इम्पॉसिबल। आंसर विल बी एब्डिकेट। एब्डिकेट को हम इस इमेज से याद रख सकते हैं कि इसने अपना चेयर छोड़ दिया है, सिंहासन जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसने उसे रिजाइन कर दिया हो, गिव अप कर दिया हो। कंसाइन की बात करें तो कंसाइन क्या होता है? डिलीवर समथिंग टू अ पर्सन कीपिंग, जैसा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई कंपनी है जो अपने कस्टमर को उसके घर तक डिलीवरी दे रही है, दैट इज कंसाइनिंग। असर्ट होगा, टेक अ पोजीशन ऑफ पावर और इम्पोर्टेंस इलीगली बाय फोर्स, जैसा कि ये कर रहा है उसे इलीगली फोर्सफुली जो है उसका पोजीशन, उसका अवार्ड ले रहा है। देन नेक्स्ट वन इज बिक्वीथ। बिक्वीथ होता है पास ऑन और लीव टू समवन एल्स, जैसा कि यहाँ पे ये की इसको पास आउट हो रहा है, दैट इज अ फादर इज पासिंग ऑन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु डजंट टायर इजिली, जो कि जल्दी से टायर नहीं होता है। Indeliable, indefatigable, inflatable, indestructible. The answer will be indefatigable. Fatigue मतलब होता है आलस, indefatigable मतलब होता है कि जो कि हमेशा energetic रहता हो, जो कभी भी low feel ना करे। Indefatigable को हम लोग इस image से याद रख सकते हैं, जो कि काफी energetic way में running कर रहा है। Indeliable मतलब होता है not able to be forgotten, जो कि जल्दी से भूला नहीं जा सकता है, like this one, जैसा कि election के time पे जो ink लगा दी जाती है, तो हम कैसे याद रखते हैं? मतलब हम जब भी देखते हैं वो ink का sign, तो हमें याद आता है कि हमने vote दिया है। Inflatable होता है capable of being filled with air, जिसमें हम एयर फिल कर सकते हैं, लाइक दिस टॉय। बच्चों के बहुत सारे ऐसे टॉय आते हैं जो कि हवा भर के हम उसे यूज करते हैं। इनडिस्ट्रक्टिबल
इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब होता है जिसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, दैट इज नॉट एबल टू बी डिस्ट्रॉयड, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. लाइक डायमंड, डायमंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इंडेस्ट्रक्टिबल सब्सटेंसेस. कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, तो इनकेपेबल ऑफ बींग रेड, दैट इज जो कि पढ़ा नहीं जा सके, तो वैग, एडिबल, अनसीन या इलेजिबल. द आंसर विल बी इलेजिबल. इलेजिबल को हम ऐसे याद रख सकते हैं, दैट इज दिस राइटिंग इज टू स्लोपी टू रीड, तो ये इलेजिबल हो गया. दिस वन इज एन इलेजिबल राइटिंग. अब वैग की बात करें तो वैग होता है ऑफ अनसर्टेन, इनडेफिनेट और अनक्लियर कैरेक्टर और मीनिंग, जिसका कोई सेंस ही नहीं हो, जिस जो कुछ भी क्लियर नहीं हो, अनक्लियर है ये फेस जैसा कुछ फॉर्मेट तो लग रहा है बट ये क्लियर नहीं है. दैट इज दिस वन इज वैग. एडिबल मतलब फिट और सुइटेबल टू बी ईटन, कोई भी चीज जो कि खाने लायक हो, दिस वन इज कॉल्ड एडिबल. अनसीन, नॉट सीन और नोटिस, जो कि नहीं देखा गया हो या फिर नोटिस नहीं किया गया हो, उसको हम बोलते हैं अनसीन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, इतना अनइम्पॉर्टेंट है कि उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता है. आंसर क्या हो सकता है? डिमिनिटिव, ट्रिवियल, नथिंग, नोटिसिएबल. द आंसर विल बी ट्रिवियल, जो कि बहुत ही लेस इम्पॉर्टेंट कुछ भी हो, जो कि कंसिडर ही नहीं किया जा सके, जो कि टोटली इग्नोर्ड हो, उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल. ट्रिवियल का एक बेस्ट एग्जाम्पल 25 पैसा, जिसको हम एकदम अच्छे से इग्नोर कर जाते हैं, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आज की लाइफ में. डिमिनेटिव मतलब होता है एक्सट्रीमली और अनयूजुअली स्मॉल, जो कि जरूरत से ज्यादा छोटा हो, जैसा कि ये कब. नेक्स्ट वन इज नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, दैट इज नथिंग, नॉट एनीथिंग. इजिली सीन और नोटिस्ड, जो कि इजिली सीन हो और नोटिस्ड हो, जैसा कि ये इस भीड़ में ही अलग चमक रहा है, तो ये क्या होगा? नोटिसिएबल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैन बी ड्रॉन इन टू अ थीन वायर, कोई भी सब्सटेंस जिसको हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटल, डक्टाइल, फ्लेक्सिबल या स्मूथ. द आंसर विल बी डक्टाइल. डक्टाइल नेचर वाले सब्सटेंसेस को हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. हम बात करें अगर डक्टाइल नेचर की, तो ये एल्यूमिनियम का वायर है, एल्यूमिनियम को हमने वायर में कन्वर्ट किया है, दैट इज एल्यूमिनियम इज डक्टाइल इन नेचर. देन ब्रिटल, ब्रिटल की बात करें तो हार्ड बट लाइबल टू ब्रेक इजिली, जो कि हार्ड तो होता है बट आराम से टूट सकता है. द एग्जाम्पल इज आवर बोन्स. फ्लेक्सिबल की बात करें तो केपेबल ऑफ बेंडिंग इजिली विदाउट ब्रेकिंग, लाइक दिस मैन इज बेंडिंग हिमसेल्फ वेरी इजिली. उसके बाद हम बात करते हैं स्मूथ की, तो हैविंग एन इवन एंड रेगुलर सरफेस, जिसका सरफेस जो है वो एकदम इवन हो, सब तरफ से सेम हो, तो ये क्या होता है? ये एक स्मूथ और रफ इसका ऑपोजिट हो जाता है, जैसा कि ये रॉक, इसका सरफेस सेम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो कि डिसलाइक शो करे किसी के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपैथी, टेलीपैथी, एंटीपैथी और एम्पैथी. द आंसर विल बी एंटीपैथी. एंटीपैथी की बात करें तो एंटीपैथी इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसा कि ये पर्सन जो है ये इसको क्या शो कर रहा है, दिस पर्सन इज शोइंग हिम द एंगर, द फ्रस्ट्रेशन एंड द डिसलाइक टुवर्ड्स हिम. सो ये क्या हो गया? ये एंटीपैथी हो गया. नेक्स्ट वन इज सिंपैथी. सिंपैथी क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ पीटी एंड सोरो फॉर समवन एल्स मिसफॉर्च्यून, दूसरे की मिसफॉर्च्यून को लेके हम जो दुख प्रकट करते हैं उसको बोलते हैं सिंपैथी. प्रॉपर हिंदी में बोला जाए तो सांत्वना देना, कि एवरीथिंग विल बी ओके, बी फाइन, लाइक दिस. टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी इज द एबिलिटी टू नो व्हाट इज इन समवन एल्स माइंड, दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ पाना इज द टेलीपैथी कम्युनिकेशन.
एम्पैथी क्या हो गया? एम्पैथी हो गया द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर। एम्पैथी और सिंपैथी ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं, लेकिन सिंपैथी में होता है कि दूसरा दुखी होता है, सामने वाला जरूरी नहीं है कि दुखी रहेगा, बट एम्पैथी इज समथिंग लाइक अगर ये दुखी है तो ये दुखी होगा, ये खुश है तो ये खुश होगा। जब सेम फीलिंग्स इंटरचेंज होती है तो वो एम्पैथी कहलाती है, और जब हम किसी को किसी के दुख में उसकी जस्ट हेल्प कर रहे हैं दैट इज आवर सिंपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लेंडिड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, जो कि बहुत ही विशाल और बहुत ही एक्सपेंसिव दिख रहा हो उसको क्या बोलते हैं? सम्पच्युअस, पिक्यूलियर, क्यूरियस या मैलिशियस? द आंसर विल बी सम्पच्युअस। सम्पच्युअस को हम रानी सावित्री का महल से याद रख सकते हैं, लाइक दिस वन। नेक्स्ट वन इज पिक्यूलियर। पिक्यूलियर मतलब होता है जो कि डिफरेंट टू व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, जो कि नॉर्मल चीजों से बिल्कुल डिफरेंट हो, लाइक दिस वन, एनिमल के सर पे घोड़ा, ये एकदम भी पिक्यूलियर सा दिख रहा है। और क्यूरियस, क्यूरियस क्या होता है? एगर टू नो और लर्न समथिंग, जिसको सबको जानना होता है, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। एंड द नेक्स्ट वन इज मलिशियस। मलिशियस होता है इंटेंडिंग और इंटेंडेड टू डू हार्म, जो कि किसी भी चीज को हार्म पहुंचा सकता है, लाइक मैलवेयर जिसको बोलते हैं। कंप्यूटर में वायरसेस आ जाते हैं तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अफेक्ट होता है। सो यहाँ पे वायरस जो है वो मलिशियस हो गया, किसके लिए? तो कंप्यूटर के लिए। सो थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने 41 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जो पिक्चर्स के हेल्प से पढ़ने की कोशिश की है, आशा करती हूँ आपको वो चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।